Hello friends, welcome to Octopus Classes. Subscribe my channel and press bell icon for get video notification, and also like, comment and share my video with your friends. Thank you. हेलो दोस्तों, ऑक्टोपस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कल दोपहर को झारखंड क्लास 12 रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया गया है। काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। हम देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट पे कितने कितने परसेंटेज लोग पास किए हैं, पूरी तरह से एनालिसिस करेंगे इस झारखंड क्लास 12 रिजल्ट को, JAC 12 रिजल्ट 2020 को। तो स्टार्ट करने से पहले, आप हमारे अगर चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं, और कोई क्वेश्चंस हो तो हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर का है, जिसमें काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो हम अपना एनालिसिस इससे ही करते हैं। झारखंड बोर्ड 12 का जो रिजल्ट घोषित हुआ है, हम आपको बता दें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था जो झारखंड बोर्ड 12 के एग्जामिनेशन, और जिसमें से 2.3 लाख स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था। जो रिजल्ट आया है वो तीनों स्ट्रीम का आया है, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम, ये तीनों का ही जो है रिजल्ट आया है। अगर आपने चेक कर लिया है, होप सभी ने ही चेक कर लिया होगा, और अगर आपने चेक नहीं किया है तो आप चेक कर सकते हो jac.jharkhand.gov.in पे। अब हम बात कर लेते हैं इस बार का जो रिजल्ट रहा है वह कैसा रिजल्ट रहा है। पिछले बार के मुकाबले बात करें तो थोड़ा सा अच्छा है, ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो अच्छा रहा है। इस साल स्टूडेंट ने काफ़ी ज़्यादा इसमें मेहनत की है। तो हम देख लेते हैं साइंस स्ट्रीम वाले के स्टूडेंट जो पास किए हैं, लगभग 58.99% स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम के पास किए हैं। अब बात कर लेते हैं कॉमर्स स्ट्रीम के, तो 77.37% स्टूडेंट जो है कॉमर्स स्ट्रीम के पास आउट हुए हैं इस बार। और लास्ट में आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट जो हैं वो 80.53% लोग जो है पास किए हैं। ओवरऑल बात किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो अच्छा परफॉर्मेंस रहा है वो आर्ट्स स्टूडेंट का रहा है, आर्ट्स स्ट्रीम वाले स्टूडेंट का रहा है, जिन्होंने 82.53% रिजल्ट जो है पास आया है। और सबसे जो कम अच्छा परफॉर्मेंस आया है, सबसे कम परफॉर्मेंस देखने को मिलता है 58.99 के साथ साइंस वाले का। तो ऐसा हमेशा ही लगभग होता ही है कि आर्ट्स वाले का रिजल्ट हमेशा से अच्छा रहा है। साइंस जो सब्जेक्ट है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा इंटेलिजेंट माइंड होता है, तो ऐसा ही देखने को मिल जाता है। तो ये ओवरऑल जो है रिजल्ट था। अब इसके बाद, अब जब रिजल्ट आ ही चुका है तो आप सबको यह भी सोच रहे होंगे कि आगे अब करना क्या है, क्योंकि 12 के बाद से आप काफ़ी ज़्यादा फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन आपको ग्रेजुएशन में आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करने चाहिए जो आगे आपको आने वाले समय में अच्छे जॉब दिलवा सके, उसके लिए भी मैं वीडियो लेके आऊँगा अपने इस चैनल पर। तो इस तरह के अलग अलग कोर्स होता है, वोकेशनल कोर्स होते हैं, या फिर और भी बहुत सारे कोर्स होते हैं जो आपको करने चाहिए, उन सभी के मैं वीडियो लाऊंगा। हमें कमेंट I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free.